actually now i would like to invite our next guest speaker he's the number one blogger of pakistan ladies and gentlemen aapki taaliyon mein nandla please welcome assalam alaikum itne bade bade content creators aur logon ke darmiyan mein baith ke bahut kuch seekhne ko milta hai you know so 2005 mein jaunga thoda sa 2005 mein uh, ये फ़ील हुआ कि ये नीड फ़ील हुई कि यार पैसा कमाना है जल्दी जल्दी और चलें रीज़न भी आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मसला होगा शादी करनी थी यार तो और करनी भी प्यार की थी एक और मसला आ गया था तो बहरहाल 2003 में मैट्रिक की मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आ गए टीचर अच्छे मिल गए आखिरी महीने में जाग रातें जाग जाग के मार्क्स बहुत अच्छे ले लिए जो ताल्लुक है वो बिल्कुल प्योर दियात से था उस वक्त बहुत दियात था अब तो खैर शहर बन गया तो मैट्रिक के बाद हमारे स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर अच्छे नंबर आ गए तो फिर आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस बचती हैं एक या तो डॉक्टर बन जाओ और सेकंड इंजीनियर बन जाओ सबको पता है तो मेरे सामने भी यही दो रास्ते बचे मैंने कहा यार मुझे केमिस्ट्री में पढ़ चुका हूँ मैट्रिक में नहीं समझ आती थी अब मैं एफ में अगर प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट करूँगा तो फेल हो जाऊँगा नहीं कर पाऊँगा लेकिन फोर्सफुली समझ लें या होप्स इतनी थी कि एफ में प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली उसका नुकसान ये हुआ कि तीन साल लग गए एफ करते करते और तीन साल के बाद केमिस्ट्री में स्टैरिक लगा हुआ था मेरे रिजल्ट कार्ड पे और मैं वहाँ से पास आउट हो गया एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मशवरे लोगों से लेता रहा और मैं लोगों के कहे पर अमल करता रहा तो मैं ऐसे ही रहूँगा और हम हमारा एक और सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे मशवरे देने वाले भी वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रखा होता सो so, उस वक्त मैंने बिल्कुल डिटर्मन हो के एडमिशन ले लिया दो हमें एडमिशन फॉर्म मिलते हैं और मैं इतना डिटर्मेंट था कि मैंने सिर्फ़ एक एडमिशन फॉर्म फ़िल किया और यूनिवर्सिटी में जाके वही सबमिट करा दिया मैं इतना क्लियर था अपने माइंड में कि करूँगा तो यही करूँगा वरना मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगा ही नहीं और वो फील्ड थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैक इन 2006 उस वक्त की बात कर रहा कराऊँ और यूट्यूब भी 2006 में लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में उस वक्त तक तकरीबन मतलब बहुत चंद लोग होंगे आप समझ लें कि यूज़ करते होंगे एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब एग्जिस्ट करता है तो कटिंग इट वेरी शॉर्ट स्टोरी बहुत लंबी है तो वहाँ से जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने ऑप्ट की और मैं अपने माइंड में ये क्लियर कट विजन बना चुका था कि फ्यूचर बिलोंग्स टू आईटी। अगर मैंने आईटी चूज़ ना की तो मैं 40 पचास हज़ार एक लाख की जॉब पे रह जाऊँगा और एक लाख जॉब भी बहुत बड़ी थी उस वक्त इमेजन करना भी और ख़ासकर आई बिलोंग टू मुल्तान और मुल्तान में शायद अब भी एक लाख की जॉब मिलना तकरीबन नामुमकिन हो या रेयर केसेस में शायद मिल जाए तो सबसे पहले आपके लिए मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अपना जो विजन है ना उसको क्लियर रखें मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें सबसे बड़ा इशू पता है क्या होता है कि वो जैसे अभी शायद भाई ने भी बात की कि वो लोग बंदे ढूंढ रहे होते हैं जिसको अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा सकें ये सबसे बड़ा मसला आपको बता दूँ हमारा है कि हम कभी कहेंगे जी हमें इंस्टीट्यूट में अच्छा टीचर नहीं मिला अगर मैं ट्यूशन वाली बाजी अच्छी मिल जाती तो आज पता नहीं मैं डीसी लगा होता अगर मुझे फलाँ काम अच्छा मिल जाता तो आज मैं फ़लाँ काम कर रहा होता तो ये एक्चुअली एक एक समझ लें कि एक फेलियर की तरफ पहली सीढ़ी है कि आप ये तहिया कर लें कि मैंने अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और को ठहराना है सेकेंड जो सबसे बड़ा इशू है हमारे अंदर वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं जब मैं ये तस्वर कर लूँगा कि मैं नहीं कर सकता तो यकीन रखें कि आप नहीं कर सकते अगर आपने ये तसवुर कर लिया कि मैं कर लूँगा और मैं अगर आप, आप, आपको अपनी ज़िंदगी का बताऊँ कि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने ये सोच कर किए कि ये मैंने करने हैं उनमें मेरा सक्सेस रेट हंड्रेड था नॉट इवन नाइन्टी और जिन प्रोजेक्ट्स में मैं डाउटफुल था कि यार स्टार्ट कर लेता हूँ देखा देखी Uh, शायद कामयाब हो जाऊँ ना हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल था उसमें मेरा जो सक्सेस रेट था वो फिफ्टी परसेंट से भी कम था सो so जो सेल्फ़ बिलीफ है वो बहुत ज़रूरी है खैर वहाँ से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू थाउजेंड में टू में मुझे uh, बल्कि सेवन में मुझे स्कूल फी के पैसे नहीं थे uh, वालिद साहब को कहा यू वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू पे माई फी अब इस वजह से नहीं कि वो समझते नहीं थे लैंड लॉर्ड थे uh, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे थे भी सही लेकिन वो एक यू नो you know, अवेयरनेस का भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं ना तो वो समझते थे तो तुम फीस लेके पैसे खा पी जाओगे और मुझे कहोगे फ़ी पे कर कराएँ तो ये मसला था दैन मैंने अम्मी को कहा अम्मी ने अपना ज़ेवर उठाया बैंक में गए नेशनल बैंक मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ पर वो जेवर रखा और उसके अगेंस्ट हमें कोई पंद्रह सोलह हज़ार पर मिले फिर भी पूरे नहीं हुए फिर एक आ, अम्मी की कज़न थी खाला थी उनके पास गए उन्होंने सात आठ हज़ार दिए तो आई रिम्बर के छब्बीस हज़ार पाँच सौ रुपये आई थिंक फ़ी थी एक सेमेस्टर की तो वो वहाँ से कर्ज़ लेकर फी पे की और जब फ़ी पे करके मैं बाहर आ रहा था तो अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे बैठ के शायद मैं ज़िंदगी में आखिरी बार इतना ज़्यादा रोया था कि यार तनवीर वट आर यू डूइंग कि ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं एफ में भी तीन साल लगा चुके हो और अब ये नौबत आ पहुँची है कि तुम मतलब जेवर रख के इतनी मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त इंसान की कंडीशन क्या होगी खैर नेक्स्ट मैंने वालिद साहब को प्रॉमिस किया कि आप मुझे मेरी फी पे करते रहो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ग्रेजुएट होने से पहले पहले मैं एक लाख रुपये पर मंथ कमा रहा ग्रेजुएट होना था मैंने दो के अंदर 2009 के आखिर में मैं एक लाख रुपए से भी ज़्यादा पर मंथ अर्न करने के काबिल हो चुका था अलहमद सो so, उसके बाद तो समझने के एक सिलसिला रुका ही नहीं ना मतलब 2012 में मिलियंस रुपीस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आ, पैसे कैरी करना मुश्किल हो रहा है एक जगह पर पैसे आ रहे हैं डर के सहम के भाई वहाँ से कैरी करके अपने बैंक में कैसे ले जाऊँ रेमिटेंस आती थी यू नो वेस्टर्न यूनियन में समटाइम्स तो 2015 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आई थाट कि तनवीर कब तक ये ऐसे रहोगे अब टाइम आ गया कि यार लोगों को भी बताओ कि तुम करते क्या हो अच्छा ये नीड मुझे क्यों पेश आई मुझे लगता था कि यार लोग बहुत सियाने हैं और मैं सबसे नल्ला स्टूडेंट हूँ या एक गया गुजरा बंदा हूँ ये बहुत फ़ील आती थी शायद कम्प्लेक्स था देहात से उठने की वजह से यूनिवर्सिटी में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ था तो ये ये मेरे अंदर एक फ़ील थी उस वक्त लेकिन मैं जब मार्केट में गया लोगों को देखा बड़ी बड़ी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं बड़े बड़े भाषण डाल झाड़ते हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ उनसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं यार बस पचास डॉलर में महीने के हो जाते हैं मैंने कहा हैं यार बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं और पैसों की बारी आती है तो बंदा प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहा तो लोगों को देख के मेरा ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार नहीं मैं बहुत कुछ हूँ यार अगर उस वक्त मैं पाँच दस हज़ार डॉलर बना रहा हूँ तो इट मीन्स अ लॉट क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बना पा रहे तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया और मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ टीचर अच्छा एज़ टीचर ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी अच्छा उस वक्त यू you नो know, जब आपके पास थोड़ा पैसा आने लग जाए ना तो फिर आपको एक चाह उठती है कि यार लोग पहचानें लोग रेस्पेक्ट करें और बिलीव मी ये शायद मैं अपने सीक्रेट से सी रिवील कर रहा हूँ यहाँ आप खड़ा हो गए मुझे चाह होती थी कि यार कभी कोई बच्चा कोई स्टूडेंट कोई बंदा मुझे सर भी कहेगा कि यार सर तनवीर अच्छा यार ऐसे भी होता है अच्छा उसके बाद एक और होती है कोई लड़की भी मुझे सर तनवीर कहेगी लिटरली और ये समझ ली कि ये शौक़ था और साथ ही प्ले बैक पे बैक करने की जो चाह थी वो थी कि मैंने यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लिया बी जेड यू जहाँ से पढ़ा था वहीं पढ़ाने लग गया फिर एजुकेशन यूनिवर्सिटी uh, जो लाहौर में है मुल्तान में भी कैंपस है वहाँ पे पढ़ाने लग गया और देन मैंने एक एक चीज़ रियलाइज़ की कि जिस तरीके से हम पढ़ाए गए थे वो कोई बेहतर तरीका नहीं था क्यों क्योंकि उसके अंदर अब अच्छा मैं जब क्लास खुद ले रहा होता था तो अच्छा आप इमेजिन करें कि एक बंदे के घर में ए सी तक ना हो फ्रिज नहीं होता था उस दौर में और वो बंदे को यूनिवर्सिटी में आए यख बस्ता ए सी चल रहे हो और वो क्या करेगा नींद ही आएगी ना उसे तो मैं भी सो जाता था तो सर को पॉइंटर मार के मुझे जगाना पड़ता था कि भाई उठ जा क्लास लेने आया क्या करने आए तो खैर अब मुझे लगा कि ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना ये बोर करते हैं वो स्टूडेंट के साथ चीज़ों को रिलेट नहीं करते और उसकी जो मेन मेन रीज़न मैंने आइडेंटिफाई की वो ये थी कि टीचर्स को शायद कम्प्लेक्स होता है कि अगर मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ अगर मैं अपने जो कमियाँ हैं कोताहियाँ हैं वो उनके साथ शेयर करूँगा तो वो शायद मेरी उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू अब मैंने क्या किया मैं स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल घुल मिल जाता हूँ अभी भी जो आप ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो ज़रूर उनको पता होगा कि मैं उनके साथ बिल्कुल इतना अटैच हो जाता हूँ कि वो गैप नहीं फील करते मेन करेक्टरिस्टिक जो टीचर में आई थिंक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट उसके साथ बात करते हुए उससे सीखते हुए झिझक फील ना करे अच्छा खैर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सर भी आ गए हैं ये मुझे इशारा का पता चल गया है <laughs> तो अच्छा कंटेंट की बारी आती है तो कंटेंट जो डिलीवरी की तरह मैं आना चाह रहा था एक्चुअली तो जो कंटेंट डिलीवरी है आपकी है वो इंगेजिंग होनी चाहिए जैसे अमीन हफीज़ साहब ने बात किया मैं इनका बड़ा बहुत बड़ा फैन भी हूँ तो इनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ासकर वो जब आप गधा पे बैठ के और कोई आ, कर रहे थे तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उसको तो आप कंटेंट जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ या पढ़ाता हूँ या अपने एजुकेशनल लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें मैं एक चीज़ का ख्याल करता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा लाइट वेट कर देता हूँ क्योंकि समटाइम ये याद होता था कि हम बैठे हैं और टीचर कुछ कह रहा है और टीचर उस दर उस दौरान कोई ऐसा जोक या आपको आपको बिल्कुल मुखातिब करता है तो उस वक्त आप एकदम चौंक जाते हैं तो अटेंशन ग्रैब करने की सबसे बड़ी जो ट्रिक मुझे समझ आई और अपने कॉन्टेंट के अंदर मैं वो यूज़ करता हूँ कि आप स्टूडेंट के साथ रिलेट करें वो जिन इश्यूज को फेस कर रहा है उन इश्यूज को डिस्कस करें और खैर कंटेंट क्रिएटर्स और द चेंज मेकर्स सबसे शायद एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक देहात से उठने वाला बच्चा जिसको आ, जेवर रख के माँ के पैसे लिए फी पे की अलहमदिल्ला उसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला इसी 23 मार्च को और जो स्टूडेंट्स हैं अलहदुल्ला मोर देन 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रेवेन्यू जो डायरेक्ट रेवेन्यू है जो हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट्स का है वो पाकिस्तान में ला चुके हैं तो अलहद प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने है तो जस्ट अपने कॉन्टेंट को इंगेजिंग रखें वो चाहे आप जिस भी फील्ड में जिस भी नीच में काम कर रहे हैं और स्टूडेंट को या अपने व्यूअर्स को अप उसके साथ रिलेट करें वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हुए हिचकिचाए नहीं थैंक यू थैंक यू वेरी मच तमी साहब